अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश के अनुसार कन्नौज जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय मकरंद नगर कन्नौज में जिला संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कन्नौज प्रभारी जेपी पाल, कन्नौज प्रभारी प्रदेश कमेटी के सचिव रशीद अली, गुजरात के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव शोएब मुख्य रूप से मौजूद थे। मुख्य अतिथि श्री जेपी लाल ने जिले से आए हुए फ्रंटर अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों से सीधा संवाद करते हुए उनसे सुझाव लिए और उन्हें अपनी अपनी कमेटियों को मजबूत बनाने को कहा। कन्नौज प्रभारी प्रदेश सचिव श्री रशीद अली ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लोकसभा प्रत्याशी के इच्छुक लोगों से आवेदन लिए और इस बार कन्नौज लोकसभा चुनाव लड़वाने का आश्वासन भी दिया। अमित मिश्रा की कन्नौज से रिपोर्ट। हम लोगों ने आज कन्नौज में संवाद का कार्यक्रम था, जिसमें कार्यकर्ताओं से संवाद और जिले में जो संगठनात्मक कमी है उसको पूरा करने के लिए राहुल गांधी यात्रा को लेके और क्राउड फंडिंग के विषय में चर्चा के विषय 2024 चुनाव को लेकर किस तरह से कांग्रेस तैयारी है, क्या गठबंधन से चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव एकजुट होकर लड़ना चाहती है। अगर हमारा सही तरीके से गठबंधन होता है तो पार्टी गठबंधन से ही चुनाव लड़ेगी। कहा जाता है कि जो गठबंधन है सपा से कि उससे से अभी तो हमारी बात जो वर्तमान स्थिति समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बातचीत चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी हर सीट से चुनाव अपना प्रत्याशी लड़ाई अगर गठबंधन होता है? अगर गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी पूरा संगठनात्मक मजबूती दे के पूरे देश में उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जो गठबंधन में शामिल होना चाहे अगर राहुल गांधी के साथ उनको शामिल करके चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी को रोकने के लिए किस तरह की रणनीति कांग्रेस अपना रही है? राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा लेकर निकले हैं, न्याय की यात्रा, उसमें जो शामिल होना चाहेगा उस न्याय यात्रा में कोई भी दल हो, BSP हो, सपा हो या अन्य दल है, जो भी संगठन में शामिल होना चाहे उनके साथ चुनाव लड़ाएंगे। इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं जो है दरार पड़ती नजर आ रही है, हर कोई पार्टी गठबंधन करके जो है नारा कर रहा है, ऐसे में कैसे इंडिया गठबंधन को संभाल कर रखेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है वो दबाव में ईडी को डरा के नोटिस भेज के डराया जा रहा है। अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं, अभी चुनाव एक साथ ही हो, गठबंधन के साथ चुनाव। किस तरह का डर है आप लोगों का? डर कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार का डर नहीं, जो अन्य दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनको दबाव में लेने के लिए डराने का प्रयास कर रही है और चुनाव एक साथ ही होगा गठबंधन से। तो आप ये स्वीकार करते हैं कि जो बाकी दल आपके साथ आए थे वो दबाव मार रहे हैं, उसके लिए विपक्ष के रूप में आप बड़ा चेहरा हैं भारत में, उसके लिए किस तरह से जो है दबाव को रोकने के लिए, बीजेपी का दबाव रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, किसी तरह का आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे जिससे उनका दबाव रोका जा सके? अभी तो राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा लेकर निकले हैं, उस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करेंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या है इसका उद्देश्य, किस तरह का कार्यशाला किया गया? कांग्रेस पार्टी ने कार्यशाला का कार्यकर्ता संवाद आज रखा था। उस कार्यकर्ता संवाद का उद्देश्य ये था कि बड़े नेताओं के और कार्यकर्ताओं के बीच कोई भी दरार नहीं रहे, कोई पर्दा नहीं रहे। हमारे कार्यकर्ता जो भी बात रखेंगे, राय देंगे, क्राउड फंडिंग पे जो राय देंगे, राहुल गांधी जी की यात्रा की तैयारी के लिए जो राय देंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए जो राय देंगे, वो कार्यकर्ता आज राय दी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने नोट किए और हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को उपलब्ध कराएंगे। पिछले कई सालों से लोकसभा प्रत्याशी कन्नौज से नहीं कांग्रेस ने उतारा है, क्या इस बार के लोकसभा में जो है कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है? देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन मजबूत करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, गठबंधन में उतारेगी, स्वयं उतारेगी, ये काम शीर्ष नेतृत्व का है और वो उनकी तैयारी चल रही है। लगातार जो भी उनके दिशा निर्देश आते रहेंगे हम काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को कहां पर देख रही है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है।
और जहाँ पे संघर्ष की जरूरत पड़ती है वहाँ सबसे पहले कांग्रेस खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसानों के साथ है, जब भी किसानों का मुद्दा नज़र आता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ा नज़र आती है। युवाओं के साथ है, जब भी युवाओं पर अत्याचार होता है कांग्रेस पार्टी नज़र आती है। महिलाओं पर जब भी उत्पीड़न होता है कांग्रेस पार्टी नज़र आती है। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में संघर्षशील पार्टी है और संघर्ष करती है। लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किन पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी किन पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी ये हमारी इंडिया टीम का जो इंडिया गठबंधन की समिति है वो डिसाइड करेंगे कि हम किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। मगर हमने जो गठबंधन किया है वो जनता के साथ किया हुआ है, जनता के दुखों के साथ, जनता के दर्द के साथ हमने गठबंधन किया हुआ है और वो गठबंधन हम मरते दम तक निभाएंगे।